नमस्कार एंड वेलकम टू द न्यूज नाउ। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं श्री राजू चंदेल जी, जो कि प्रेसिडेंट है श्री अमरनाथ यात्रा समिति के। इनसे बात करते और जानते हैं कि इस बार जो अमरनाथ यात्रा को लेकर इन्होंने किस तरीके के जो है प्रबंध किए हैं। हेलो सर एंड वेलकम टू द न्यूज नाउ। अब मुझे बताएंगे अमरनाथ यात्रा को लेकर इस बार किस तरीके के जो है प्रबंध आपकी तरफ से किए गए। देखिए जी, हमारी तरफ से लंगर की व्यवस्था, फ्री लंगर व्यवस्था, खान पीन, यात्रियों को गाइडलाइन जारी की है, जिसकी मैंने आपको बुक भी दिखाई। गवर्नर साहब एन एन वोरा जी ने 2018 के यहाँ पर किया और अब मैंने मीडिया के सामने इसको लेके आया हूँ मैं। तो इसमें गाइडलाइन दी गई है और हम कहना चाहते हैं कि जो यात्री आ रहे हैं वो टोकन का मान सम्मान रखे, टोकन व्यवस्था के साथ एक समूह में चले, जिससे कि आतंकवाद का शिकार ना हो। बाकी आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारी भारत सरकार, हमारी फौजें, हमारे VSF पूरी तरह तैयार है। मैंने अंतिम बार चेतावनी देते हुए और अपील करते हुए कश्मीर के नौजवानों से कहा है, मेरे भाइयों मत भटको, पत्थरबाजी मत करो। अगर पत्थरबाजी करोगे, आपके यहाँ सरकार गिर गई है, गवर्नमेंट फौज मुँह तोड़ जवाब देगी। आप एक पत्थर मारोगे, यहाँ गोली से हम जवाब देंगे। पर जिस तरीके से आपने कहा कि ये गाइडलाइन जारी की करती है, बुक किया है, तो इस बुक में किस तरीके से जो है गाइडलाइंस दी गई है टूरिस्ट के लिए? नक्शा दिया है टूरिस्ट के लिए, कहाँ से आपने यात्रा करनी है, कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, ये सारा इसमें ब्यौरा दिया गया है। एक नक्शा दिया गया है किस किस रास्ते से गुजरना है, आप देखेंगे। मैं कहूँगा आपके कैमरामैन से कि दिखाएं इसको, इस तरीके से यात्रा है, किस किस रूट से आपने गुजरना है, सुरक्षा कारणों का आपने इसमें हवाला दिया गया है, उसका पाबंद करना है। और सफल यात्रा हो और मंगलमय यात्रा हो, इसके लिए हम उनको अपनी तरफ से जो सुविधाएं हैं दे रहे हैं। और इस वक्त जो है आतंकवाद का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ अपील की है मैंने नौजवानों से, किसी कट्टरपंथी संगठनों से नहीं, उनके लिए हमारी फौजें पर्याप्त हैं। तो और एक मैंने बात कही है कि अब गवर्नर शासन लागू हो गया, हमारे वोरा साहब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, वो कई बार अपना इस्तीफा दे के आए हैं केंद्र सरकार को, बार बार उनको नकार दिया जाता है। तो मैंने बीच में मांग की थी प्रधानमंत्री जी से पत्र लिख करके कि NN वोरा की जगह GD बख्शी को लेके आए, वो भारत माँ का शेर है, वो उसे पूरा जम्मू कश्मीर का जो जमीनी स्तर पर हकीकत मालूम है उनको निपटना आता है। परमजीत सिंह गिल जो कि DGP रहे हैं उनको निपटना आता है, पंजाब का आतंकवाद उन्होंने निपटाया। इन दो शेरों में से किसी एक को ले आए, हमें कोई इसमें राजनीति नहीं है, हमें देश भारत माता की रक्षा के लिए कश्मीर को बचाना है, अच्छा मजबूत गवर्नर चाहिए हमें। जिस तरीके से आपने कहा कि NN वोरा जी को जो है हटाना चाहिए, पर उनका भी चैंचुअल जो है 2 महीने और बढ़ा दिया, क्योंकि 28 जून की बात थी, 28 जून तक उनका सेकंड टर्म था, सेकंड टर्म जो है खत्म हो चुका होने वाला है, बट अमरनाथ यात्रा भी तभी से शुरू है और अब जो है उनको 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो क्या कहेंगे कि 2 महीने में आपको क्या लगता है कि जो अमरनाथ यात्रा है वो NN वोरा जी के नेतृत्व में कितनी सक्सेसफुल? NN वोरा जी एक अच्छे व्यक्ति है, मैंने कभी उनकी उस पर वो नहीं किया, लेकिन वो स्वास्थ्य की वजह से बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं बेचारे, लेकिन उन्हें थोड़ा बेड रेस्ट की जरूरत है। अच्छे एक शासक है, उन्होंने अच्छा कार्यकाल किया है, उसमें कमी नहीं बता, लेकिन जो लड़ने की क्षमता है और चप्पे चप्पे का जो अनुभव है वो हमारे GD बख्शी को, परमजीत सिंह गिल जी को इतना मालूम है कि वो आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि हमारे फौजी ने दे रहे हैं, पिछले शासकों में उनके हाथ बंधे थे, आज एक गोली चलती है हमारी तरफ से 10 चलती हैं, आज बहुत बदलाव आया है। और अब देखना अटैक अपाचे हेलीकॉप्टर आ गए हैं, ड्रोन आ गए हैं, इनको नस्तो नाबूद करेंगे, इनके घर में घुस करके ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे कि इनको छठी का दूध याद दिला देंगे। जब हमारे BSF इन पर हमला करती है तब तक इनको माँ याद आ जाती है, हाथ जोड़ने लगते हैं, फिर ये करते हैं। ये दोगले लोग हैं पाकिस्तान की जो फौज है, वहाँ का आवाम ठीक है लेकिन फौजें जो हैं वो दोगली हैं, पीठ पीछे व्यवहार करते हैं वो। अरे करने तो एक बार कर लो, हम परमाणु संपन्न देश है, एक मिनट में उसको नस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन नहीं, हमारे ऊपर जिम्मेवारी इंटरनेशनल, हम उनको तब तक नहीं करेंगे जब तक उधर से पहल नहीं होगी। देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इस बार जो है अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स जो हैं किए गए हैं इनकी तरफ से, साथ ही साथ जो है सरकार की तरफ से जिस तरीके से सरकार जो है डिसॉल्व हो चुकी है कल की तरफ से अगर देखा जाए, तो अब जो है गवर्नर रूल के तहत जो है सारे रूल्स के साथ जो है एक अमरनाथ यात्रा और गाइडलाइन बुक जो है एक रिलीज़ की गई है, जिसके ज़रिए जो है जो टूरिस्ट हैं आने वाले उनको जो है एक सहायता मिलेगी किस तरीके से वो अब अमरनाथ यात्रा की तरफ जो है बढ़ सकते हैं। तो तब तक देखते रहे न्यूज़ नाउ अपनी होस्ट रोमी केरनी के साथ।